हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर मेन के प्रमुख चार भाग होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सीपीयू। ठीक है, इनपुट यूनिट में क्या था? इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, और मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। सीपीयू यूज़र के द्वारा दी हुई इनपुट को प्रोसेस करके उसके अनुसार आउटपुट या रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आउटपुट यूनिट का कार्य होता है कि जो भी सीपीयू ने प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन बनाई है उसको यूज़र को दर्शाना या आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के प्रमुख कंपोनेंट कौन है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर के प्रमुख दो तरीके के कंपोनेंट हैं या प्रमुख दो भाग हैं। कौन कौन से? पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की एडवांस लेवल पे बात करते हैं तो कंप्यूटर के दो ही तरीके के कंपोनेंट लगे होते हैं कंप्यूटर में, एक तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम से, कंप्यूटर के दो कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिर से दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपने बहुत सी बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम आपको यही बताएंगे कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं ये सभी कुछ और नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन आप अलग अलग बुकों में आपने अलग अलग जगह इसका नाम सुना होगा। ठीक है, अभी हम आपको क्लियर कर देंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में वो सभी कंपोनेंट या कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं या हम उनको छू के महसूस कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो मेमोरी हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, जो कुछ भी है आपको विजिबल है वो सब हार्डवेयर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर में है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब जो हमें कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर दिखाई नहीं देता लेकिन प्रेजेंट होता है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पिछली क्लास में हमने बताया है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को निर्देश दे सकें, कंप्यूटर में वो सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में निर्देश देने का काम करती हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सभी जो कंपोनेंट हैं ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो सभी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, बाहरी दुनिया से जो डेटा है वो कंप्यूटर में प्रवेश कराना इनपुट डिवाइस का काम होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल प्रमुख हैं आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस वो सभी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से सीपीयू के द्वारा प्रोसेस की गई इन्फॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस सुव्यवस्थित तरीके से परिणाम को प्रदर्शित करती हैं या आउटपुट को
प्रदर्शित करती हैं, ठीक, या दर्शाती हैं यूजर को, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस मेनली आपकी प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का जो मेनली काम है वो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस की गई इन्फॉर्मेशन बाहरी दुनिया में लेके आना, ठीक है। आप अगर देखो तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इनपुट डिवाइसेस का काम होता है बाहरी दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर में प्रवेश कराना, और आउटपुट डिवाइस का जो काम मेन टास्क है कि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई इन्फॉर्मेशन को बाहरी दुनिया में पहुंचा देना, ठीक है। ये मेन इन्फॉर्मेशन आपका मेन डिफरेंस है इनपुट डिवाइसेस में और आउटपुट डिवाइसेस में। एक और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा फ्लो है कंप्यूटर की तरफ होता है, जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा फ्लो होता है सीपीयू की तरफ, सीपीयू से इनपुट डिवाइस की तरफ डेटा फ्लो नहीं होता है, जबकि सीपीयू से आउटपुट की तरफ डेटा फ्लो होता है बट आउटपुट से सीपीयू की तरफ डेटा का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम दोस्तों बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को खुद की प्रोसेसिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को खुद के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायरमेंट हो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर को बूटिंग करनी है और कंप्यूटर को ये चेक करना है कि उसके सारे कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं, तो ये सब चेक करने के लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, ड्राइवर्स, ओके। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर खुद के ही ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और जब कंप्यूटर खुद के ही ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तो यूज़र के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कहा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के लिए ही रिक्वायरमेंट इनकी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अगर कोई यूज़र को किसी यूज़र को कोई गेम खेलना है तो उसको गेम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर पे, तब वो गेम खेल लेगा। अगर सपोज किसी यूज़र को कुछ टेक्स्ट फाइल बनानी है या कुछ उसको नोट या उसको कोई पावर पॉइंट बनानी है, स्लाइड बनानी है, तो उसको एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यूज़र को इंटरनेट चलाना है तो उसको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वेब ब्राउज़र एक्सेस करेगा, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र और मीडिया प्लेयर। ये सभी क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पिछली फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बता रहा था मैं, जब तो उसमें कंप्यूटर का हिंदी में मतलब गणना करना बता दिया था। तो जबकि उसमें कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। तो कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, ठीक है, टू कंप्यूट, ओके। कंप्यूटर का हिंदी में मतलब होता है संगणक, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान से गौर से देख लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई थी। और एक बार जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने फोर्थ जनरेशन में बता दिया था कि VVLSI मीन्स वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ये टेक्नोलॉजी थी ये फिफ्थ जनरेशन में यूज की गई है, फोर्थ में नहीं है। फोर्थ में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बाई मिस्टेक रॉन्ग हो गई थी, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, और पहली बार आप चैनल देख रहे हैं मेरा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।